यह कार्यक्रम भारतीय फतांसी एवं लोक कथाओं से प्रेरित है। दर्शक सदस्यों को सलाह दी जाती है कि इस कार्यक्रम का आनंद केवल एक काल्पनिक रचना के तौर पर ही लें, जो कि वास्तविकता पर आधारित नहीं है। सामाजिक बुराइयों व अंधविश्वासों को यह नेटवर्क मान्यता नहीं देता तथा इनकी कड़ाई से निंदा करता है। बस कुछ ही पलों की बात है, अंश जलपरी के रूप में आ जाएगा और मुझे मेरा एकाएन का शरीर वापस मिल जाएगा। बल्कि अब तक तो अंश पे जलपरी मोती का असर होना शुरू भी हो गया होगा। इसमें जलपरी मोती का असर क्यों नहीं हो रहा है? वो कील कैसे निकालनी है? जिस व्यक्ति के शरीर के अंदर जादुई तरीके से कोई चीज छुपा दी गई हो, उसे वो खुद ही बाहर निकाल सकता है। वो भी सिर्फ उसी के लिए जिसके साथ उसने अग्नि फेरे लिए हो। लेकिन ये भी तभी संभव है जब दोनों के बीच परस्पर इच्छा से पति पत्नी के संबंध बन चुके हो। चुप क्यों हो मैं? बोलो, क्या पता चला? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हें जरूर कुछ पता चला है। क्या चाहते हो तुम मुझसे? क्यों मुझे तुमने यहाँ कैद कर रखा? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? क्यों मुझसे जबरदस्ती शादी की? मैं कुछ पूछ रही हूँ मयंक। तुम जानते हो ना, राक्षस वंश के लिए राक्षस कील मिलना बहुत जरूरी है। हमें वो कील चाहिए हर कीमत पर। समझ रहे हो ना तुम? क्या कर रही थी तुम? अपने सवालों के जवाब ढूंढ रही थी। ये आवाज तो जलपरी की पूंछ की आवाज है। ये इसमें से कैसे आ रही है? अब समझी, जलपरी मोती का असर अंश पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस मोती ने अंश को नहीं, अंश के बेटे को चुना था। वाह, जिसने मुझे मारा था, अब वही मुझे एकाएन का रूप वापस लौटाएगा। पानी के अंदर मैं सांस क्यों नहीं ले पा रही हूँ? ये दोनों तो इसी तरफ आ रहे हैं। मैं उस जलपरी का रूप क्यों नहीं ले पा रही हूं? अगर इन लोगों ने मुझे ऐसे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अंश, लगता है जलपरी सो गई है। बेचारी अपने घर को मिस कर रही होगी। डोंट वरी पिया, हम जल्द से जल्द उसे समंदर में छोड़ाएंगे। लेकिन ये ऐसे क्यों सो रही है? कहीं इसकी तबीयत फिर से खराब तो नहीं हो गई? मैं देख कर आती हूँ। अब पिया रुको,
पिया उसे डिस्टर्ब मत करो, शायद ये जो लाइट्स है ना उस वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही होगी। शायद तुम सही कह रहे हो अंश। अच्छा मैं माँ को दवाई देकर आती हूँ, तुम तब तक देख लो आधी सोया है कि नहीं। शुक्र है ये लोग गए, थोड़ी देर और मुझे पानी में रहना पड़ता तो मैं फिर से मर जाती। मैं पानी में सांस नहीं ले पा रही हूं, इसका मतलब बहुत जल्द मुझे इस जलपरी के शरीर से मुक्ति मिलने वाली है। लेकिन मुन्ना तब तक पूरी तरह जलपरी नहीं बनेगा जब तक मैं उसे पानी में नहीं डाल देती। क्या मुसीबत है, डायन बनी नहीं और जल पड़ी रही नहीं, ना मैं ठीक से चल सकती हूँ ना पानी में रह सकती हूँ। कहाँ मैं चुटकियों में यहाँ से वहां पहुंच जाया करती थी और कहाँ मुझे ऐसे रेंगना पड़ रहा है। माँ पापा से बात हुई? हाँ हुई थी, बता रहे थे कि पूना में जहाँ नई फैक्ट्री का काम चल रहा है वहीं पर पास में एक बहुत अच्छा आश्रम है, तो कुछ दिन वहीं रहकर आएंगे वो। आप उन्हें बहुत मिस करती होंगी ना? हाँ मिस तो करती हूँ, कभी कभी मुझे उनकी कमी बहुत महसूस होती है, आदत पड़ जाती है ना एक दूसरे के साथ की। इससे पहले वो घर से बाहर इतने दिनों तक कभी नहीं रहे, लेकिन क्या करें अब नया काम करना है तो वहीं रहकर करवाना पड़ेगा ना। सो तो है, ठीक है माँ, कोई भी जरूरत हो तो मुझे बता दीजिए। तुम भी जाकर थोड़ा सा आराम कर लो। ये काला कपड़ा, ये टैंक पे काला कपड़ा कहां से है? जरूर अंश ने डाला होगा ताकि जलपरी को रोशनी से तकलीफ ना हो। पानी? पानी? अच्छा है यहाँ कोई नहीं है, मेरा काम और आसान हो जाएगा। यहां तक आ गया? आदि अंश, अंश कहां गया?
बस थोड़ी देर और, जैसे ही मैं इसे पानी में डालूंगी मैं अपने कायन के रूप में वापस आ जाऊंगी। देखो जलपरी पानी के बाहर घूम रही है। कौन हो तुम लोग, मुझे बाहर निकालो। वाओ, ये तो बोलती भी है, सो कूल। अरे वाह, मतलब इसके और ज्यादा पैसे मिलेंगे। मैंने कहा छोड़ो मुझे, बाहर निकालो। आर यू क्रेजी, तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़े ही पकड़ा है। तुम लोग जानते नहीं मैं कौन हूँ। इनफैक्ट हमसे ज्यादा ना तुम्हें कोई नहीं जानता। वी नो कि तुम एक जलपरी हो, मतलब आधी इंसान और आधी मछली। जो बोलती भी है। हाँ, लेकिन उससे ज्यादा ना कुछ नहीं कर सकती। इनफैक्ट तुम तो भाग भी नहीं सकती हो, तुम्हारे पैर ही नहीं है। सो मिस जलपरी विथ एटीट्यूड, करण पकड़ लो इसे। बड़ी जलपरी के साथ बेबी जलपरी भी है। वाओ, मतलब डबल जैकपॉट। इसे भी साथ ले चलते हैं, पकड़ो इसे। क्या था? तुमने भी वो आवाज सुनी? चलो। सही कहा, मैं जलपरी नहीं हूं, मैं एक कायन हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे हाथ से राक्षस कील निकालने का तरीका क्या है, और मैं ये भी जानता हूं कि ये कील हमारे राक्षस वंश के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ और गलत नहीं करना चाहता। पहले ही मेरी वजह से तुम बहुत कुछ झेल रही हो, और वो भी तब जब तुम्हारा कोई दोष नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें और दर्द नहीं दे सकता। तारा से दूर रहो। तारा, गेट अप। बहुत भाग लिए तुम, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब आखिरी बार। अरे रीवा वंशी जी, आपका तो निशाना चूक गया।
ये आवाज कहां से आ रही थी? अरे तुम लोग ने भी आवाज सुनी क्या? हाँ माँ, बस वही चेक करने आए थे। अच्छा चलो देखते हैं। अंश भाभी आप लोगों ने कोई आवाज सुनी? हाँ चाची। कैसी आवाज थी ये? हमें लगा कि जलपरी को कोई प्रॉब्लम ना हुई हो। बस वही चेक करने जा रहे थे। चलिए टैंक। हाँ अगर टैंक नहीं है तो फिर जलपरी? लगता है जलपरी चली गई। अरे पानी का टैंक साथ में लेकर कैसे जाएगी चैताली? हाँ ये बात तो सही है, लेकिन भाभी उस टैंक के बगैर भी नहीं जाएगी, पानी के बाहर वो सांस नहीं ले सकती ना। ये बात भी सही है। हाय बड़ी एहसान फरामोश जलपरी है, एक तो हमसे बिना मिले बिना बताए चली गई, ऊपर से हमारा टैंक भी ले गई। क्या हुआ आदि को? आदि? हाँ आदि। अच्छा आदि गायब है। ये तो पानी की आवाज है। इसका मतलब आदि पानी में? लेकिन कहाँ? लेकिन वो पानी के पास गया कैसे? हे भगवान, कहीं उसे जलपरी तो नहीं ले गई? चलो करण। माँ ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ भाभी अंश बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो टैंक लेके जाएगी या आदि को? लेकिन वो उसे लेकर जाएगी क्यों? फिलहाल सवाल ये नहीं है कि आदि को कौन ले गया है, कैसे ले गया है, सवाल ये है कि आदि गायब है और हमें नहीं पता उसे ढूंढना कहाँ है। ये तो गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज है। इसका मतलब किडनैपर बिल्डिंग में है। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि आदि गाड़ी में है कि पानी में है। भगवान करे वो जहां भी है इस वक्त सुरक्षित है, सही सलामत है। ये बीपी मॉनिटर की रेंज 1 किलोमीटर की है, अगर हमारे और आदि के बीच की दूरी 1 किलोमीटर से ज्यादा हो गई तो बीपी मॉनिटर काम करना बंद कर देगा। अंश सिग्नल वीक हो रहा है, गाड़ी जल्दी चलाओ। जी चाचू जल्दी चला, जल्दी चल। कहां गया होगा आदि? मुझे तो तीर लगा था, फिर मेरा जख्म इतनी जल्दी कैसे भर गया? इस वीडियो गेम से नजर हटाओगे तो पता चलेगा ना, सामने देखो। क्यों कोई टाइम है ट्रैफिक होने का?
अरे बाप रे, इतनी सारी गाड़ियां, ये टाइम पे भी इतना ट्रैफिक होता है क्या? ये कैसा सवाल है? जवाब नहीं पता तो सीधे बोलो ना, ये कैसा सवाल है, क्यों बोल रहे हो? चुप रहो, आज तू मारना। मुझे तो ये डर है कि हम ट्रैफिक में ना फंस जाए और वो लोग आदि को लेकर निकल जाए। तुम हॉर्न बजाओ ना अंश। अंश, ये तो हमारे हॉर्न की आवाज है ना। वापस से बजा। बजा। लेकिन ये हमारे मॉनिटर से क्यों आ रही है? अंश, इसका मतलब आदि हमारे आसपास है। आदि? आदि? गाड़ी घुमा भी नहीं सकते। Just move. अंश, वो देखो। ये तो वही टैंक है ना, जिसमें हमने जलपरी को डाला था। टैंक के अंदर देखो भाभी। टैंक के अंदर मुन्ना। बेबी मॉनिटर ही तो हमारे बेबी स्पाइडरमैन को बचाने का एक सहारा था, वो भी टूट गया। अंश, बेबी मॉनिटर, अब आदि बाबा चेताली, लगता है आदि को हमने हमेशा के लिए खो दिया। ऐसा मत कहो भाभी, कुछ नहीं होगा। व्हाट? आदि जलजीव बन गया? हाँ बाबा, और उसे कोई किडनैप करके भी ले गया है। कोई? कोई मतलब कौन? पता नहीं, हमने उन्हें नहीं देखा। हमने सिर्फ वो गाड़ी देखी जिसमें वो लोग आदि को लेकर गए। ब्लैक कलर की एसयूवी थी। हाँ। उस पर डेंट भी था। अविनाश चाचू गाड़ी को ट्रैक करवा रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड। क्या कहा तुमने? ब्लैक एसयूवी जिस पर डेंट लगा, वो डेंट गाड़ी के पीछे लगा हुआ था। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? नमन, हाँ जी सर, पकड़ो उसे, संभाल के रखना। लो सावी, फिक्र मत करो, उस गाड़ी तक पहुंचने का एक तरीका है। लेकिन कैसे? कैसे बाबा? मयंक, वो लोग कौन थे? उनसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? ये तो बता दो, हम जा कहां रहे हैं? हम नहीं, तुम। आगे एक बस स्टॉप है, वहां से तुम्हें बस मिलेगी जो तुम्हें घर लेके जाएगी। एंड डोंट वरी, ये कोई ट्रिक नहीं है और ना ही कोई मजाक। यूं समझ लो कि तुम आज से आजाद हो। मुझे पता है तुम मेरे पापा की मौत के बारे में बहुत कुछ जानते हो, और जब तक तुम मुझे सब कुछ नहीं बताते थे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
लेकिन वो गाड़ी जहाँ पर पार्क थी, अगर उसके आसपास तुम लोग आग लेकर जाओगे तो खोजी द्रव्य से बना धूम्रपथ दिखने लगेगा। हाँ, लेकिन यहाँ आग कैसे जलाएंगे? अंश, और कोई रास्ता नहीं है। आग की गर्मी से खोजी द्रव्य का प्रभाव फिर से बढ़ने लगेगा और फिर तुम्हें वो धूम्रपथ दिखने लगेगा। उस गाड़ी तक पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है बाबा, हम कुछ करते हैं। मैं माचिस दूंगा। नंबर नहीं देख पाया। काले रंग की एसयूवी और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पानी का टैंक भी है। सारे चेक पोस्ट पर इन्फॉर्म कर दो। कहीं पर भी ये गाड़ी दिखे उसे रोको और उसमें बैठे हुए जितने भी लोग हैं सबको अरेस्ट करो। हेलो गुड़िया। जी बाबा। खोजी द्रव्य तुम लोगों को आधी तक पहुंचा तो देगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना होगा। क्या पापा? बोलिए। गुड़िया तुम समझ गई ना तुम्हें क्या करना? जी। भैया माचिस मिल गए। देखा? हाँ बाबा। चलो। वैसे तो बच्चे हंसते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन तुम्हें मुझे रुलाना होगा। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुम्हारे आंसू कितने कीमती हैं, क्योंकि अगर तुम रोओगे ना तो हमें वो जलपरी मोती मिलेगा और उस जलपरी मोती की वजह से हम माला माल हो जाएंगे। Come on, cry! अरे तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? Look at me! Come on, cry! रो, रो ना! What a shot! इसे तो क्रिकेट टीम में होना चाहिए। मॉम, आई थिंक दिस जलपरी रियली हेट्स यू। रुको, मैं तुम्हारे लिए क्रिकेट गेम डाउनलोड करता हूँ। मॉम, ये आप क्या कर रहे हो? मैं गेम डाउनलोड कर रहा था। My game. Shut up. लो, अरे ले ले ले। बेबी को वीडियो गेम खेलना है? हाँ, मॉम मेरा फोन। अब तो ये पक्का रोएगा। अरे मॉम मेरा फोन। मेरा हाथ चल रहा है। Are you idiot? मेरा हाथ चल गया और तुम्हें हंसी आ रही है? सॉरी मॉम, अब आप इतने फनी तरीके से आग बुझा रहे थे तो मुझे हंसी आ गई। आई मीन लुक एट यू, आई थॉट इस बेबी जलपरी को आप बिल्कुल पसंद नहीं, बट ही एक्चुअली हेट्स यू। अब तक ना बच्चा समझ के मैं तेरा लिहाज कर रही, लेकिन अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। जलपरी है ना तू, तो तुझे
पानी में बड़ा मजा आता होगा। अब ये पानी तेरी आंखों में आंसू लाएगा। हेलो तारा, तारा मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम एक बहुत बड़े खतरे में हो। तुम्हारा पति मयंक वो एक राक्षस है। मुझे तुम्हें और भी बहुत कुछ बताना है, पर उसके लिए तुम्हें मुझे मिलना पड़ेगा। तो प्लीज कॉल मी बैक। सावी क्या कर रही थी तुम? डैड, तारा को वार्न करना बहुत जरूरी है कि मयंक एक राक्षस है। मैं तुम्हारा माथा था खराब हो गया है का? हाँ? जब हम तीन रीवावंशी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तू अकेले कौन सा तीर मार लेगी? बोलो। लेकिन डैड, उसे पता तो होना चाहिए कि उसकी जान कितने बड़े खतरे में। सावी, ये तुम भी जानती हो कि हम तारा की मदद नहीं कर सकते, बल्कि वो राक्षस हमें उसके आसपास जाने तक नहीं देगा। और ऐसे में अगर तुमने उसे मयंक के बारे में बता दिया तो हो सकता है वो घबरा कर कुछ ऐसा कर बैठे जो उसके लिए सही ना हो। तो क्या डैड हम तारा की मदद नहीं करेंगे? उसे उस राक्षस के साथ अकेला छोड़ देंगे? डैड, उसकी जान खतरे में, उसने उसको मार दिया तो? सावी, अगर उसे तारा को मारना होता तो वो उसे बचाता नहीं, उसे वही मरता हुआ छोड़कर चला जाता। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। सावी, राक्षस का मकसद जो भी हो, लेकिन इतना क्लियर है कि वो तारा को मारना नहीं चाहता, बल्कि मुझे लगता है कि इस वक्त तारा को उसके साथ कोई खतरा नहीं है। भले आज कोई खतरा नहीं, लेकिन आगे चल के खतरा हुआ तो? हाँ सर जी, बात तो ये भी बन सकती है। नहीं, ठीक है ना? हाँ, ले जाओ इन्हें। छोड़ो भाभी, शुक्र है भगवान का जो हम सही वक्त पर आ गए, वरना हाथी। नहीं बच्चा, अब मत रो, सब है साथ में, मम्मा है, पापा है, दादी है ना। हेलो तारा, तारा मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम एक बहुत बड़े खतरे में हो। तुम्हारा पति मयंक वो एक राक्षस है। मुझे तुम्हें और भी बहुत कुछ बताना, पर उसके लिए तुम्हें मुझे मिलना पड़ेगा। तो प्लीज कॉल मी बैक। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो इतनी बड़ी मुसीबत टल गई। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन हम आदि को जलजीवी रूप से कैसे मुक्ति दिलवाएंगे? जरूर निशान जी को तो पता ही होगा ना, क्यों ना उन्हीं को फोन करके। जिंदा हो?
भाभी डैन रिटर्न्स अगेन। ऐसा कैसे हो सकता है? वही तो भाभी, इनकी तो हस्तियां भी बात ही थी ना हमने, ये जिंदा वापस कैसे आ गई? हमेशा मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पहले मेरे बेटे को छीनने की कोशिश की, मगर फिर भी मुझे लगता रहा कि तुम शायद बदल सकती हो, लेकिन तुम मरते तब तक नहीं बदलती। जिंदगी तो हर किसी को दूसरा मौका दे देती, लेकिन तुम्हें तो मौत ने भी दूसरा मौका दिया है मोहना। क्या करोगी उस मौके का? उसे भी गवा दोगी? नहीं मोहना। क्यों आई है आप यहाँ? अब क्या चाहिए आपको? क्यों? मैं अपने बेटे से, अपने परिवार से मिलने नहीं आ सकती? ना मैं आपका बेटा हूँ और ना ये आपका परिवार है। आप हमारे लिए मर चुकी है। ये रिश्ता तभी खत्म हो चुका था जब आपने मुझे और मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। वो सब पुरानी बातें थी अंश, तुम भी जानते हो। तुम्हें या मुन्ने को मारना मेरी खुशी नहीं, मेरी मजबूरी थी। तुम्हें मार के मैं अपनी उम्र बढ़ाना चाहती थी और मुन्ने को मार के मैं अपनी मौत टाल रही थी। मेरी कुंडली में मेरा अंत तुम्हारे खून के हाथों लिखा था, इसलिए मैंने सोचा अपने अंत का ही अंत कर देती हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना, विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता, एक शक्तिशाली एकायन भी नहीं। इसलिए मेरी लाख कोशिशों के बाद भी जो लिखा था वही हुआ, मुन्ने के हाथ मेरा अंत हो गया। अब दिल करता है छुट्टी की बात मान ही लूं। अब मुझे अपनी उम्र बढ़ाने के लिए तुम्हारी बलि देने की जरूरत नहीं है और ना ही मुन्ने से कोई खतरा है। अब हम सब एक होके रह सकते हैं, एक खुशहाल परिवार की तरह। अरे आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं आप लोगों के लिए अच्छा खाना बनाती हूँ। और अंश, तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद खीर। अरे भाई आप क्यों कर रहे हैं? मैंने बोला मैं कर लूंगी ना, आप जाके आराम कीजिए, आपको लगी है ना हाथ में। I'm sorry, आपको लगी तो नहीं? इतना उंगली ठीक है आपकी? नहीं मैं ठीक हूँ, don't worry। वो तो नहीं जिसने मुझे किडनैप किया था? आदि डोंट वरी बेटा, ओके तुम ठीक हो जाओगे। भाभी, भाभी डायन अब यहीं रहेंगी क्या? मेरा मतलब है हम उन पे फिर से भरोसा कैसे कर सकते हैं? चैताली, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है मुन्ने को ठीक करना। तो निशान जी को फोन करके पूछिए ना, मेरे ख्याल से पिया बात करेगी तो ठीक रहेगा। अंश जी मां, बेटा पिया को बोलो ना निशान जी से बात करने के लिए। जी मां, मैं भी देखता हूं।
पिया चली गई है। धूम्रपात तुम लोगों को आदि तक पहुंचा तो देगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। कैसा काम बाबा? आदि को जलजीव से इंसान बनाने के लिए तुम्हें जलजीवी के आंसू से बने जलजीवी मोती से किसी और को जलजीव बनाना होगा, और तभी आदि इंसान के रूप में वापस आ पाएगा। कोई भी मां अपने बच्चे की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। ठीक हो गया। मेरा बच्चा ठीक हो गया, भगवान का लाख लाख शुक्र। कमाल हो गया भाभी, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा और आदि अपने आप ठीक हो गया। पिया पिया पिया, पिया कहाँ हो तुम? पिया देखो देखो, हमारा आदि ठीक हो गया। ये पिया कहाँ रह गई? कब से बुला रहे हैं, जवाब ही नहीं दे रही। मैंने घोड़े के पैर देखे, पर ये कैसे हो सकता है? इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि आदि को जलजीवी अवतार से मुक्ति दिलाने के लिए गुड़िया ने कुर्बानी दे दी और खुद जलजीवी रूप धारण कर लिया, यानी अब गुड़िया एक जलपरी बन चुकी है। अंश, अंश क्या कहा निशान जी ने? पिया पिया क्या हुआ?
क्या हुआ पिया को? अंश बोलो ना, पिया को क्या हुआ? पिया जलपरी बन गई है। क्या? क्या? कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। हाथ दिखाओ। मयंक, कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में। कुछ भी तो नहीं है। हाथ दिखाओ। तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए था। कहीं मैं वो तो नहीं जो मैं सोच रही हूं? क्यों रो रहे हो? शांत हो जाओ, मम्मा आ जाएगी ना। पापा गए हैं ना लेने? चैताली, ये तो चुप ही नहीं हो रहा है। पिया को मिस कर रहा होगा ना? इसको प्राम में बिठा दो। हाँ। अच्छा, बस अच्छा, मुन्ना इधर बैठो, खेलेंगे। पता नहीं, मैं टॉय लाऊं। ये दोनों कब आएंगे? तब तक कैसे ऐसे ही रोते रहने देंगे? नहीं नहीं, आदि आ जाएगी मम्मा। हाँ नहीं, मेरा बच्चा। मैं कुछ मदद करूं? कोई जरूरत नहीं है, हम अपने बच्चे को खुद संभाल सकते हैं। लग तो नहीं रहा। लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे, पता नहीं कभी मैं उन सबसे मिल पाऊंगी भी या नहीं। रही जल परी, इस और चलो। बहुत दिनों से इस जल परी की तलाश थी, आज नहीं छोड़ेंगे इसे।
मैंने सुना है जब जलपरिया रोती है तो उनके आंसुओं से जलपरी मोती बनता है जो कि बहुत कीमती होता है। बहुत सही सुना है तुमने। तो खुद ही सोच, जिसके आंसुओं की कीमत इतनी है उसके खुद की कीमत क्या होगी। और तेज चलो। जल परियों और जल जीवियों से बहुत पुराना लेना देना है अपना। आज वक्त आ गया है इनसे हिसाब बराबर करने का। जल परी आज नहीं बचेगी तो शाना लगा। बेवकूफ कहीं के, एक निशाना भी ठीक से नहीं लगता। देख के रहे हो, पीछा करो उसका। चलो निशाना लगाओ। निशाना नहीं लग रहा तुमसे। कहां गई? कहां गई? वो रही, मिल गई। निशाना लगाओ, वो रही। फिर से निशाना चूक गया तेरा। मैं तो कोशिश की। चुप कर, तेरी बकवास सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। ला इधर दे। मैं देखता हूं अब कैसे बच के जाएगी मुझसे। सरदार, जलपरी तो दूर दूर तक नहीं दिख रही है, मारेंगे कैसे? यही कहीं होगी, जाएगी कहां? ढूंढो, नजर रखो उस पे। चल फिर आते इतने बड़े समुंदर में कैसे ढूंढेंगे पिया को? अंश, अगर उम्मीद नहीं है तो कुछ भी नहीं है, पर अगर उम्मीद है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। भैया नाव जल्दी उस तरफ ले चलो। ये जलपरी मोती है अंश। जलपरी जब आंसू बहाती है तो उसके आंसुओं से मोती बन जाते हैं। इसका मतलब गुड़िया यही थी अंश। Thank you.
ढूंढ लूंगा। कंगी कहां गई? ला वापस दे। ये तो पत्थर का बन गया, अब इससे कंगी कैसे लूं? मैं खाना खाने जा रही हूं, ठीक है? बहुत मस्ती सोच रही है ना तुझे, अभी तेरी सारी मस्ती निकाल दूंगी। ये लो आदि, खा लो। चैताली जी, भाभी दरवाजे पे धोबी है। गोभी? तो गोभी का मैं क्या करूं, काट लो। अरे गोभी नहीं, धोबी। धोबी? धोबी देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मजाक कर रही थी। आदि मैं अभी गई और अब भी आई, ओके? बहुत सता रहा था ना तू, अब तू तड़पेगा दर्द से। भाभी डैन, वो आपका नहीं, आदि का खाना है। आपका खाना किचन में है। मुझे पता है ये मुन्ने का खाना है, अब इसे मैं खिलाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आप मुन्ने को खाना कैसे खिला सकती हैं? आप तो डैन है ना, मेरा मतलब है कि वो आप मुन्ने को खाना खिलाएंगी तो मुन्ना पत्थर का बन जाएगा। मेरा प्यारा मुन्ना, खा लो। वादी क्या शॉट मारा है। बहुत हंसी आ रही थी ना, अब हंसो, जोर से हंसो। ऐसे कौन करता है, अभी तो थोड़ी देर पहले कह रही थी वी आर फैमिली, मुझे नीचे उतारो। मम्मी पिया कुछ देर पहले वहां थी ये तो पता चल गया, लेकिन अब कहां होगी? इतने बड़े समुंदर में कैसे ढूंढेंगे पिया को? एक तरीका है हर्ष, गुड़िया के आंसू, उसके आंसू ही तुम्हें उस तक पहुंचा सकता है। पिया के आंसू, यानी ये मोती? एग्जैक्टली अंश, अंश इसी वक्त इन मोतियों को सागर में फेंको। व्हाट? प्लीज अंश, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, प्लीज मोतियों को सागर में फेंक दो। कम ऑन।